चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। हाँ जी, अगर आप भी उन लोगों में से थे जिन्हें इस बात का इंतजार था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, अरसे बाद क्रिकेट जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा, लाहौर में होगा, कराची में होगा, कहां होगा, लेकिन होगा, तो अब आपके सपने टूट सकते हैं। बड़ी सारी चर्चाएं चली, बड़ी सारी कहानियां आई, बड़े सारे किस्से चले। कहा गया जी इंडिया पाकिस्तान जाएगी, खेल कर लौट आएगी लाहौर से पंजाब, सारे मैचेस लाहौर में होंगे, डेट फाइनलाइज थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो कहती हैं कि भारत सरकार ने बीसीसीआई से कह दिया है कि सुनो ई ना चलबे और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। खबर यही है कि बीसीसीआई ने ये अब मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ साफ कह दिया कि भाई साहब हमने अपने ऊपर बात की, ऊपर वालों से पूछा कि भैया जाएं कि ना जाएं। ऊपर वालों ने कहा क्रिकेट की ऐसी तैसी, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, जाने नहीं देंगे। हमारी ऊपर से क्लियर स्टेटमेंट है और अब इसको हमें फॉलो करना है। जो ऊपर से आएगा वही करना भी जरूरी है क्योंकि वो ऑफिशियल स्टैंड होता है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को थी भी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान जा सकती है, जो हालात हमारे उनके बीच में। लेकिन पाकिस्तान से काफी रिक्वेस्ट आई थी, पाकिस्तान से कई बार कहा गया था कि आप आइए चीजें बेहतर करेंगे। पाकिस्तान कई बार कहता है खेल लीजिए हमारे साथ, पाकिस्तान क्रिकेट का उत्थान हो जाएगा। पाकिस्तान में बीते 1996 या 9 से इतने बड़े टूर्नामेंट नहीं हुए, पहली बार हो रहा है, इससे पाकिस्तानी कहानी बहुत अलग हो सकती है। लेकिन अब फिर माना जा रहा है कि इंडिया जाएगी नहीं और आईसीसी को अल्टरनेटिव देखना होगा। हालांकि पाकिस्तान में काफी लोग भड़के हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया नहीं आती तो मत बुलाओ, बिना इंडिया खेल लो। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में ही खेलने को तैयार है, मतलब यूएसए या कहीं और करवा लो। खबर यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए मान भी गया। इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस यूएई में हो जाएंगे। इससे पहले एशिया कप को लेकर भी यही हुआ था, हाइब्रिड मॉडल में हुआ था और इस बार भी माना जा रहा है इंडिया के मैचेस जो है अगर ऐसा होता है तो फिर दुबई या फिर शारजहां में हो सकते हैं। अब पाकिस्तान दौरे को लेकर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह इंडिया ने जो रखी, कहा कि इंडिया रिस्क लेने जाती है। पीसीबी भी कह रही है कि भाई पीसीबी की सोर्सेस एक्चुअली सोर्सेस के हवाले से बात है। हालांकि इस खबर को लेकर एक कहानी यह है कि यह ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन क्रिकेट में समटाइम अनऑफिशियल बातें पहले लीक कर दी आती हैं, फिर देर सवेर ऑफिशियल बातें आती हैं, या कहीं पर चर्चा हुई होगी तब ये अनऑफिशियल के जरिए बातें निकल आई। तो ऐसे ही पीसीबी से भी एक कहानी आ रही है कि भारत सरकार अगर नहीं देती है तो फिर पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए तैयार है, दुबई शारजहां में मैचेस होंगे, पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी आईसीसी की तरफ से। हालांकि पीसीबी ने बीसीसीआई को मनाने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जोर लगाया, बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारे सर प्रस्ताव रखे थे। एक प्रस्ताव ये भी आया था कि आप आइए लाहौर में खेलिए और मैच खेलकर सीधे पंजाब के रास्ते इंडिया लौट आइए, और भी कई सारी बातें आई थी। लेकिन पहले से ये था कि चांसेस बहुत कम थे। इनफैक्ट पाकिस्तान से ये भी कहा गया था कि हम इंडिया के लोगों को लेकर वीज़ा की अलग फैसिलिटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वाइट करेंगे, बहुत सारी बातें आई थी, बट ये सारी चीज़ें हुई नहीं। बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने पहले कहा था कि आखिरी फैसला जो है गवर्नमेंट का होगा, और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, अब बहुत मुश्किल है कि इंडिया पाकिस्तान जाए, बहुत मुश्किल है इंडिया पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है, वो चाहते थे। हालांकि इंडिया में भी पाकिस्तान को आना है और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के ना जाने के बाद क्या पाकिस्तान इंडिया आता है, क्योंकि कई सारे टूर्नामेंट हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, इसके लिए पाकिस्तान को आना है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के ना जाने के बाद पाकिस्तान इंडिया आता है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, न्यूजीलैंड बांग्लादेश की टीम शामिल है, सेकेंड ग्रुप जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के बीच का है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है। 16 साल से इंडिया कभी पाकिस्तान नहीं गया, 2007-08 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं हुआ, 8 में मुंबई में जो हुआ था उसके बाद से मना कर दिया, तब से आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट ही होते हैं, हम आपस में भिड़ते नहीं टेस्ट में वनडे में। 2013 के बाद से 13 वनडे 8 T20 हम दोनों ने खेले न्यूट्रल ग्राउंड पर। लास्ट टाइम इंडिया ने 2007-08 में दौरा किया था, उसके बाद इंडिया ने 1-0 सीरीज जीती थी, दो मैच ड्रॉ थे,
पाकिस्तान लास्ट टाइम 2012-13 में आई थी, 3 वनडे 2 T20 मैच उसकी बायलेटरल सीरीज थी, उसके बाद से उनका भी आना नहीं रहा। लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे, बायलेटरल सीरीज नहीं होती और टेस्ट तो हम खेलते नहीं आपस में। पटाखो लगता है इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो। और इंडिया पाकिस्तान इंटरेस्टिंग होगा मेरी जान।